Hey, what is up, people? I hope you are doing good. अगर good नहीं तो जल्दी जल्दी good हो जाओ क्योंकि आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार फिर से आ चुका है एक नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी दोनों वीडियोज को इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है। मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था वो चीज़। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है। सो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही मेरी आने वाली वीडियोज़ को भी इतना ज़्यादा प्यार दें और ऐसे मुझे सपोर्ट करें। बाकी दोस्तों एक और बात बोलना चाहूँगा, मतलब कि मैं अभी वीडियोज़ बना रहा था तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे बोल रहे थे कि यार आप जुबान पे ये चीज़ें सूट नहीं करी, ऐसा लग रहा फेक कर रहे हो ये सब वगैरह। बट मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं नया हूँ सब चीज़ों में, तो टाइम लगता है गाइस, हर चीज़ करने में टाइम लगता है। तो टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि अब मेरे को इतनी आदत नहीं है कैमरा के आगे बोलने की। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं कैमरा शाय हूँ थोड़ा बहुत, पर तब भी मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, 100% से ज़्यादा ही दे रहा हूँ जितना मेरे से हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करें, ना कि डीमोटिवेट करें, मुझे मोटिवेट करें कि नहीं भाई तू सही कर रहा है। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक सपोर्ट मिलेगा कि नहीं भाई, मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी कि नहीं भाई वीडियोज़ बनानी है मुझे भी और आप लोग के लिए भी कुछ करना है और अपने लिए भी सब कुछ करना। बाकी आई नो कि आप लोग तो मुझसे प्यार करते हो, तो ऐसे ही प्यार करते रहो और मेरा साथ बनाए रखें, लव यू। बाकी अभी आपका भाई उठ चुका है तो अभी फ्रेश फ्रेश होगा, ब्रेकफास्ट करेगा और इसके बाद आपको मिलेंगे। चलो वे गाइस, तो मैं आ गया हूँ फ्रेश फ्रेश होके, तैयार व्यार होके। सो अपना टाइम हो गया है स्टेडियम जाने का, तो अब अपना बैग वैग उठाते हैं तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये रहा अपना बैग, ये रही अपनी हेलमेट, ये रहा अपना रेजिस्टेंस बैंड, इन सबको डालते हैं बैग के अंदर, फिर आपको मिलते हैं। सब बाकी आप चेक कर सकते हो आपका भाई कैसा लग रहा है, एकदम तैयार व्यार हो गया। तो अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले लक्ष्य का भी कॉल आया, वो कह रहा था कि भैया आ जाओ कहीं चलते हैं आगे पीछे खाने पीने। तो अब जाके सीधा पहले उसको मिलता हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी या कुछ खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, फिर डायरेक्टली सीधा जिम जाके। बाय। सो गाइस अभी डायरेक्टली मैं लक्ष्य को लेके अपने साथ यहाँ चाय वाली दुकान पर आ गया हूँ। भाई हमें तो भाई थोड़ी देर पहले कुछ कह रहा था कि भाई अभी जाके वो खाएं फ्रूट्स खाएंगे या तो कुछ खाते हैं पीते हैं। हाँ भाई क्या हो गया, अब बोलना भाई। मैंने आपको बोला था कि जल्दी आओ, आप लोग खुद ही लेट आए, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेट आने वाली बात नहीं भाई, जुबान पे रहा। जल्दी आते तो अभी चलते हैं, अब स्टेडियम का टाइम। पहले क्या बोला था, कॉफी पीने चलेंगे। तो भाई मैंने बोला था आप लोग आए नहीं, मैंने बोला था कि स्टेडियम। तो कहता आप फ्रूट्स खाते हो, ये खाते क्या खाते हो आप? डाइटिंग भी हो ना आजकल, इसलिए तो मैंने बोला। भाई अब देखो, भाई अब देखो भाई, अब केले से काम चलाना पड़ रहा है और एक पानी की बोतल से। तो फिलहाल भाई अब बिरजू भी आ रहा है, आर्यन भी आ रहा है, इन दोनों का वेट कर रहे हैं। तो जैसे वो आते हैं तो फिर आगे स्टेडियम में जाकर मिलते हैं। सिया। सो गाइस दो और आदमी आ चुके हैं हमारे जिनका हम वेट कर रहे थे, बिरजू और आर्यन। कल क्यों नहीं आया? कल क्यों नहीं आया? लक्ष्मी आया तभी नहीं आया था। सो गाइस अभी जैसे अंदर आया वैसे ही लाइट चली गई, यार किस्मत ही खराब है यार। हाँ भाई जैसे तेरी जिंदगी से वो चली गई थी। चलो वो तो चली गई, अब क्या करे, उसको तो गोली मारे यार, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा। बाकी अब जिम पहुंच गए, बाकी प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं। ये तो चलो बोलने की बात है, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, जिनको मिलता नहीं वो यही बोलते हैं। भाई अब क्या करे यार, हमें नहीं मिला, चलो आपको मिल गया ना, आप खुश रहो फिर यार। तो गाइस बाकी अभी का सीन ऐसा है कि अभी रनिंग करने जा रहे हैं हम सारे, अपनी पूरी गैंग आ गई है भाई आज। ओए आ जा इधर, अपनी पूरी गैंग आ गई है, अभी खतरनाक वाली प्रैक्टिस होगी, वर्कआउट सेशन करेंगे खतरनाक सा, उसके बाद डायरेक्ट आपको मिलते हैं। अभी रनिंग करने जा रहे हैं, 4-5 राउंड लगाते हैं तो फिर उसके बाद। तो भाई आपको पता है राउंड क्यों लगा? भाई हर एक गैंग में ना एक ऐसा हरामी लड़का होता है ना जो साला सिर्फ लारे लगाता है, तो हमारी गैंग में भी एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ लारे लगाता है। भाई इसको 1000 बार बोल दिया भाई, इसकी 12वीं पास होगी भाई, 12वीं पास होगी भाई इसकी। तो बंदा हमें क्या कह रहे, आज नहीं कल पार्टी, अब अगले सैटरडे को पहुंच गया, अगले सैटरडे को भाई, मां कसम लक्ष्य तेरे से खतरनाक बंदा कोई भी नहीं है भाई, तू भयंकर इतना हरामी इंसान है। दूसरों की पार्टी हम भयंकर हगेंगे भी ना, तो ये पहले दिन पार्टी खाने आ जाएगा। मैं भाई सही टाइम की वो कर रहा, बोलेगा भैया आपने हगाया पहली बार आप पार्टी दो। खुद हमारी बारी भयंकर, तुम लोग यार वही वाली बात होगी ना, समझा करो यार, टेंशन नहीं। चलो ठीक है भाई, अब क्या करें यार, हम किसी के उस पे तो रहेंगे नहीं कि ये पार्टी करेगा, आप खुद जाके पार्टी कर लेंगे। बाकी आपको मिलते हैं करके, तो जय हिंद। सो गाइस जस्ट अभी 4 राउंड कंप्लीट करके आए हैं, बहुत ज़्यादा फटकी है भाई, गर्मी बहुत है जम्मू में, इसी कारण से बॉडी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। 4 राउंड भी ऐसा लगता है 10 राउंड के बराबर, बाकी अभी कर चुके हैं, बाकी देखते हैं अब क्या होता है आगे। अंदर जाके एक बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। गाइस बाकी मॉम वगैरह हो गया है सारा सेम, आज भी 150 150 के 3 रेप्स किए अपने स्किपिंग के,
बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली हल्की हल्की, अब मेन फ्लेक्सिबिलिटी पे जाएंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा 30 सेकंड चैलेंज खेल ले पुशअप का, जो जीतेगा वो तो विनर होगा, जो हारेगा वो आज शेक पिलाएगा, देखते हैं अब कौन हारता है कौन जीतता है। बाकी ये हमारा वीडियोग्राफर रहेगा आज की वीडियो में, चैलेंज होगा मेरे बीच ध्रुव और लक्ष्य के बीच, जो जीतेगा वो विनर, जो हारेगा मैं भी उसको शेक पिलाना पड़ेगा भाई, ठीक है? मंजूर है? हाँ बिरजू मंजूर है, पक्का? चलो ठीक है फिर भाई, चैलेंज डन रखते हैं। सो गाइस अब चैलेंज शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम टॉस करेंगे कि कौन पहले ही जाएगा, ठीक है? चलो टॉस को काटा पूरा काटा करेंगे भाई सबसे पहले, चलो स्टार्ट, रेडी? सेकंड का अभी कर लो, फिर अभी कर लो डिसाइड, आ जा इसको नीचे ही करवा, नीचे ही करवा भाई, दूसरे वाले का होने वाला है स्टार्ट। अब गोरू भैया की टर्न है, गोरू भैया रेडी? हाँ रेडी रेडी, 1 2 3 गो। हमारे गॉड बंदे की बारी है, ओए तू गिनना, तू गिनना, इसके दो काम गिनना, अब लेजेंड की बारी है प्रो। अच्छा 1 रुक जा, लक्ष्य रेडी? 1 2 3 गो। बाकी भाई चैलेंज जीत चुका है, तो जो की हारा है अपना भाई बिरजू, फाइनली हम आ चुके हैं शेक पीने, शर्त के अनुसार बिरजू ने शेक पिलाई दी आके, सो बिरजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। एक चीज बता दूं, अगर शर्त मैं हारता तो शायद आज हम शेक नहीं पीते भाई, हमें तो तेरे से उम्मीद ही नहीं थी, तू शर्त जीतता अगर तू हारता, हमसे तुझसे हम उम्मीद ही नहीं थी भाई हमें तुझसे, मैं ग्रैंड पार्टी का वो कर रहा हूँ ना इसलिए। चलो बाकी ठीक है, अगर भाइयों अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो और खूब सारा प्यार दो, बाकी जय हिंद।